श्री गुरुवेह नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुः विष्णुः गुरुः देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा तथा व्यास पूर्णिमा के शुभ अवसर पर व्यास जी के जीवन की संपूर्ण कथा श्रवण करेंगे। कथा सुनने से पूर्व हमेशा की तरह ओम श्री गुरुवे नमः लिखकर कमेंट अवश्य करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्रीमद् भागवत के अनुसार सूत जी कहते हैं कि एक समय महामुनि पारसर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। घूमते हुए वो यमुना के तट पर पहुंचे। देव योग से उन्होंने वहां पर एक अति सुंदर कन्या को देखा, जिस कन्या का नाम सत्यवती था। उसके पूरे शरीर से मछली की तेज गंध आने के कारण उसे मत्स्यगंधा के नाम से भी जाना जाता था। उस कन्या को देखकर मुनि के मन में प्रबल वासना जाग उठी। तब पाराशर ने अपने मन के भाव को उस कन्या के सामने व्यक्त किया। तब वह कन्या बोली, हे ऋषिवर, आपका उत्तम कुल है और मेरे शरीर में मछली की तेज दुर्गंध आती है। मुझे देखकर आपके मन में यह कुलसित भाव कहां से उत्पन्न हो गया? मत्स्यगंधा के ऐसे वचनों को सुनकर पाराशर जी अपने तपोबल से उसे कस्तूरी गंध वाली बना देते हैं और वह सुगंध चार कोस तक फैल जाती है। तब मुनि से वह कन्या बोली, हे महर्षि, सब समाज देख रहा है, उस तट पर मेरे पिता हैं। सत्यवती के विनय पूर्वक वचन सुनकर महर्षि पाराशर ने अपने तपोबल के प्रभाव से उसी समय कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरा उत्पन्न हो जाने पर तट पर अंधेरा छा गया। तब विनय पूर्वक सत्यवती बोली, मैं एक कुंवारी कन्या हूँ, यदि गर्भवती हो गई तो मैं अपने पिता को क्या उत्तर दूंगी? तब महर्षि पाराशर बोले, सत्यवती, मेरा प्रिय कार्य करने के बाद भी तुम कन्या ही रहोगी, तुम्हें जो भी अभीष्ट लगे वह वर मांग सकती हो। तब सत्यवती बोली, हे तेजस्वी, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे कोई भी इस रहस्य को न जान सके, और मेरे से जो भी पुत्र उत्पन्न हो वो आपके समान ही तपस्वी शक्तिशाली उत्पन्न हो। मेरी यह सुगंध सदा स्थिर रहे और मैं सदा ही युवती बनी रहूं। तब महर्षि पाराशर जी बोले, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा, वेद के रहस्य को समझकर उसे चार भागों में बांट देगा, तीनों लोकों में उसकी प्रतिष्ठा होगी। सूत जी कहते हैं, मुनिवर के ऐसा कहने पर सत्यवती उनके अनुकूल हो गई। तत्पश्चात यमुना में स्नान कर मुनि तत्काल वहां से प्रस्थान कर गए। सत्यवती अपने पिता के पास लौट आती है और समय आने पर सत्यवती ने यमुना के द्वीप में एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र पैदा होते ही अपनी माँ से बोला, माँ, मुझ में अद्भुत तपोवृद्धि है, मन में तपोमय बनाकर भी मैं आपके गर्भ में प्रवेश हुआ था, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, तुम भी अब घर लौट जाओ। माँ, कभी भी तुम्हारे समक्ष कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो मुझे स्मरण कर लेना, मैं उसी क्षण तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। यह कहकर व्यास जी माँ को प्रणाम कर तपस्या करने चले गए। सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने यमुना द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया, इसलिए व्यास जी द्वैपायन नाम से ही विख्यात हुए। वेद का विस्तार करने से उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। पुराण संहिताएं तथा श्रेष्ठ महाभारत सभी उन्हीं की रचनाएं हैं। त्रकालदर्शी व्यास जी ने वेदों को चार भागों में बांटा, जिसके नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद रखा गया, जिसमें से उन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन अपने शिष्य वेल
और यजुर्वेद का अध्ययन अपने शिष्य जैमेन, सामवेद का अध्ययन वैशंपायन और अथर्ववेद का अध्ययन शमंतु मुनि को कराया। इसके अलावा वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, जिसमें सभी वेदों के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया। दया, धर्म, ज्ञान एवं तप के महारथी व्यास जी की सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। बोलो सभी भक्त अपने अपने गुरु महाराज की जय। दर्शकों, ये थी व्यास पूर्णिमा की कथा की प्रस्तुति। दर्शकों, आप तथा आपके परिवार पर भी हमेशा गुरु महाराज की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में गुरुदेव की जय अवश्य लिखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।